अर्चना वड़ा पाव और भजिए। मानव एक बात सोच रही थी, जैसे ही थोड़े से पैसों का इंतजाम होता है तो हम घर का थोड़ा सा सामान लेकर आएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरे होते हुए आपको बाहर से खाना लाना पड़े। मैं भी तब से यही सोच रहा था लेकिन पैसे ही नहीं आ रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, रघु है ना वो मुझे कहीं लेके जा रहा है। उन लोगों को एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है, अगर पापा की कृपा रही तो ये नौकरी मुझे मिलेगी। हाँ और फिर हमारी जितनी भी मुसीबतें होंगी सारी दूर हो जाएंगी, है ना? इतना विश्वास है मुझ पर। कभी कभी डर लगता है तुम्हारे इस विश्वास पे, कहीं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं उतरा तो। ऐसा हो ही नहीं सकता मानव। लेकिन अब तक तो ऐसा ही हो रहा है ना। एक हफ्ता हो गया हमें घर छोड़े हुए लेकिन तुम्हें इतनी सारी तकलीफ, इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम मानव मैंने कभी भी शिकायत की है आपसे? यही तो प्रॉब्लम है अर्चना, तुम कभी कुछ बोलती ही नहीं। जो भी होता है पापा की मर्जी समझ के उसे अपना लेती हूँ, और तुम जब कुछ नहीं कहती हो तो उस समय मैं बहुत अपराधी महसूस करता हूँ। मानव मैं खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। लेकिन मैं तुम्हें और बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मेरी खुशी किसमें आप जानते हैं? किसमें? आप में। आप जितना मेरे करीब रहेंगे मेरी खुशियां उतनी ही बढ़ेंगी। एक बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे मानव। भूल? कैसी भूल? जिसने हम दोनों को एक किया हमने उसी का शुक्रिया अदा नहीं किया। श्रावणी तुम सच कहती हो, हमें एक बार उसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो चलते साथ में सचिन से भी मिल लेंगे। ठीक है रघु से मिलने से पहले मेरे पास 4 घंटे, तब तक उससे मिल लेते हैं। चलो। जा रहा है? हाँ वो मैं यूएस जा रही हूँ। कितने दिनों के लिए? कोई खास वजह? पचा मानो तो है मानो तो नहीं, और रही बात कितने दिनों की तो मैं खुद नहीं जानती, शायद वापस ही ना। लेकिन श्रावणी इस तरह अचानक तुम? अब इस शहर में मेरा बचा ही क्या है, अब बिना यहाँ रहकर क्या फायदा, इसलिए मैं जा रही हूँ। अर्चना और एक विनती है तुमसे, मेरे सचिन का ख्याल रखना, तो उसे अच्छे से अच्छे संस्कार देना, मैं उसे मानव की तरह एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। श्रावणी लेकिन सचिन तो तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ नहीं, आई तो यहाँ खुद आकर सचिन को अपने साथ लेकर गई थी, वो तो वहां उस घर में। लेकिन तुम दोनों ही कैसे नहीं जानते? श्रावणी अब हम दोनों उस घर में नहीं रहते, शादी के बाद आईने में घर से निकाल दिया इसलिए कहीं और रहते। श्रावणी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन जितना धन्यवाद करूंगी उतना कम है, और इससे मैं तुम्हारे बड़प्पन का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी
कि तुमने हमें हमारी जिंदगी वापस दी। अगर तुम उस वक्त शादी के लिए इनकार नहीं करती तो पता नहीं क्या होता, हम दोनों जी भी पाते या नहीं। शानी, हम दोनों को माफ कर देना प्लीज। नहीं अर्चना, तुम क्या कह रही हो? मैंने शादी से इनकार कर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतनी दिक्कतें आती ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम तो आई का स्वभाव जानती हो ना, आज नहीं तो कल उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो तुम दोनों को अपना लेंगे। और जैसे तुम उस घर में जाती हो ना, मेरे सचिन को अपना लेना, उसे माँ का प्यार देना, उसका ख्याल रखना। और जब भी मैं वापस लौटूंगी ना, मैं उससे मिलने जरूर आऊंगी। क्यों इतना सोचती हो अर्चु के बारे में? अरे इससे तो अच्छा है कि एक बार जाकर उसे मिला। नहीं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। वो अपनी जिंदगी में खुश है तो खुश रहे, दुखी है तो दुखी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी अब रिश्ता ही क्या रहा है हमारा। सुलोचना, क्या वाकई में रिश्ता टूट चुका है? नहीं सुलोचना, अर्चु सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है। उसके जन्म के साथ तुम्हारी हर सांस में मैंने उसका नाम सुना है। तुम्हारी हर खुशी, हर आंसू उसी के साथ शुरू होते हैं और उसी पर खत्म होते हैं। वो तुम्हारे जीने की वजह बन चुकी है सुलोचना। उससे दूर होकर तुम्हारा अपना कोई वजूद ही नहीं रहता, तो फिर ये रिश्ता कैसे टूट सकता है? रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा था, उसने तोड़ा था। हाँ, लेकिन मानव और तुम्हें से किसी एक का चुनाव करने के लिए तुम्हें ने तो कहा था उसे। लेकिन उसने मुझे नहीं चुना, मानव को चुना। पर क्या मिला उसे मानव को चुनकर? शायद वो जो हम देख नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब? क्या वाकई में हमारी अर्चु कभी कोई गलत फैसला कर सकती है? वो सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अर्चु मुझे छोड़कर चली गई और आज उस मानव के साथ उस गंदी बस्ती में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं लाख कोशिश करूं तो भी ये सारी बातें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। बेचारी अर्चु, उस गंदी सी बस्ती में जाकर रहना पड़ रहा उसे। सोचती हूँ एक बार जाकर देखूं तो सही कि महारानी कैसी जगह पर रह रही। ऐसा करती हूँ, आज हाफ डे लेकर मजा लेने के लिए जाती हूँ उसके हालात का। नमस्कार सर जी। पिछले और दिनों से तुझे ढूंढ रहा हूँ मैं। वो क्या है सर जी कि आप ही के काम में लगा हुआ था। आप काम हो गया तो आपके पास चला आया। आपको ड्राइवर चाहिए था ना। देखिए ड्राइवर लाया हूँ, एक नंबर का धांसू ड्राइवर है ये। ये तो जैसे भी उठा कर लाया, ये आदमी काम तो कर लेगा ना? करेगा सर जी, बिल्कुल करेगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, सब करेगा सर जी। लड़का मेहनती है, ईमानदार है, और अगर आपकी छत्र छाया में रहेगा तो ठीक है। तूने कहा तो रख लिया, बाकी सब तेरी जिम्मेदारी है। अरे शंकर, मैं बुला कर लाता हूँ।
उसे काम समझा दो। सर जी एक विनती थी, अगर इसे कुछ एडवांस नहीं सर जी मैं मैनेज कर लूंगा, कुछ नहीं सर जी। शंकर इसे दे दो, और कुछ चाहिए? थैंक यू सर जी, कुछ नहीं चाहिए सर जी, बस थैंक यू। चल मानो चल। अरे बहनी आप यहाँ? मेरा मतलब है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? वो निर्मला काकी ने उस दिन तुझे यहाँ पर देख लिया था, उन्हीं से पता चला कि तू इस गंदी बस्ती में रह रही है, तो सोचा कि चलकर तेरा हालचाल जान लूं। बहुत अच्छा किया, और वैसे भी घर वालों को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। आप आइए आइए बैठिए। टूट जाएगा ये। नहीं नहीं टूटेगा, बैठिए पक्का? हाँ वही नहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। अर्जुन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतनी गंदी जगह पर रह कैसे सकती है। अरे कितनी गंदी बस्ती है ये, बाहर गंदगी और बदबू के अलावा और कुछ नहीं है, और घर कितना टूटा फूटा, और दीवारें तो देख एकदम खाली, एकाध दो बर्तन दिखाई दे रहे हैं मुझे। खाना वाना बनाती है तू, यहाँ पर गुजारा कैसे कर रही है? बहनी आप कुछ लेंगी क्या? लेंगी? अरे एक पानी की बूंद भी पी लूंगी ना यहाँ पर खड़ी होकर तो उल्टी हो जाएगी मुझे। इतनी गंदी जगह पर तो पीना तो दूर की बात है, खाना तो पापा। ठीक है घर पे सब कैसे? सब ठीक है। और आई? आई तू उनके बारे में मुझसे कुछ ना पूछे ना, और मैं तुझे कुछ ना बताऊ ना, वही अच्छा होगा। क्यों क्यों भैरी आई ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन आई अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है अर्चू। और क्यों ना टूटे, अरे जिसकी बेटी भरे मंडप से किसी और मर्द के साथ भाग जाए उसका तो यही होगा ना। वहनी बाबा दादा पुन्नी रुचि बाकी सब कैसे? मैंने कहा ना सब लोग ठीक हैं। अरे वहनी कैसे हैं? लो अच्छी हूँ मैं, और अच्छा हुआ तुम आ गए। देखने के लिए आई थी कि भरे मंडप से हमारी राजकुमारी को उठाकर ले जाने वाले राजकुमार ने हमारी राजकुमारी को ऐसे कौन से महल में लाकर रखा है। देख लिया बाहर भी और घर के अंदर भी। देखो अगर तुम्हारी हैसियत नहीं थी ना हमारी अर्चू को खुश रखने की तो उसे भगा कर लाए क्यों? अरे पर दावा करते थे ना कि अर्चू को खुश रखूंगा, उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा, ये ऐसी गंदी बस्ती में लाकर उसे खुशियां दे रहे हो तुम? अगर तुम कमाने लायक नहीं हो ना तो हमसे कह दो, तुम दोनों का भार उठाने के लिए तैयार हैं हम लोग। अभी तक बाबा और विनोद जिंदा हैं, अर्चू हमारे घर की बेटी है, अगर वो किसी परेशानी में तो उसकी मदद करना हम लोग का फर्ज बनता है। भाई नहीं मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है और आपको चलना चाहिए। अर्चू वहनी आप जिस इंसान को नकार रही हैं ना अच्छे से याद कीजिए, उस इंसान ने कई बार हमारे घर की इज्जत बचाई, और अगर आपको याद नहीं हो तो फुर्सत से बैठकर सोचिएगा वर्षा की शादी के बारे में। वाह अच्छा है, जिसके भले के बारे में सोचो ना वो ही मुझे आंखें दिखा रहा है। अरे तुम्हारी चिंता थी ना इसीलिए यहाँ पर चली आई। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने तरीके से जी रहे हैं और हम खुश हैं, तो आप यहाँ से प्लीज जाइए। अच्छा है, लेकिन अर्चू एक बात याद रखना, एक दिन तू बहुत पछताएगी, बहुत। Thank you.
क्या हो रहा है? आ गया तू? कुछ नहीं विनोद, ये कुछ पुराना एल्बम मिला। वो क्या है कि मैं मेरे चश्मे की केस ढूंढ रहा था तो ये एल्बम मिल गया। गुजरे हुए जमाने में खोने की इच्छा हो गई तो उठा लिया और देख रहा हूँ। अरे वाह, कौन कौन सी फोटो देख रहे हो इसमें? अरे सारी तस्वीरें हैं, तेरी और मेरी आई की शादी की तस्वीरें, अरे तुम सबके बचपन की तस्वीरें, तुम्हारे नामकरण विधि की भी तस्वीरें हैं यहाँ। क्या बात है बाबा, पहले आप देख लो उसके बाद मैं भी देखूंगा। अरे अलग अलग तस्वीरें देखने में क्या है मजा है? आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो, हम लोग साथ में देखते हैं। बैठ। ये तस्वीर देख रहे हो विनोद, ये तुम्हारे सालगिरह की तस्वीर है। अर्जु 4 साल की होगी तब, वर्षा वैशाली का तो जन्म भी नहीं हुआ था। ये तस्वीर ना तूने जिद करके खिंचवाई है, पता है तुम्हें? देखा देखा, दोनों के शर्ट के डिजाइन एक जैसे हैं। ये ड्रेस अर्चु को पसंद नहीं थी, लेकिन तेरी आई ने जबरदस्ती इस फोटो के लिए उसे पहनाई थी। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो डांट खाकर भी माँ बाप की बात सुनते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। शायद अपनी समझ के सामने माँ बाप की समझ उन्हें छोटी लगती होगी। विनोद 8:30 बज गए, मंजूषा अभी तक क्यों नहीं आई? भाई मैंने फोन किया था मंजू को, मंजू वैसे आने में ही होगी। लेकिन तुमने पूछा नहीं, इतनी देर कैसे हो गई? अरे 8:30 मत, ये लो आ गई। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, क्यों इतनी देर हो गई? मैं इतनी परेशान हो गई थी ना। देखो आजकल ना माहौल बहुत खराब है और यहाँ हमारे ग्रह भी ठीक नहीं चल रहे हैं। जरा किसी को आने में देर होती है ना, मेरा जी घबरा जाता है। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। आइए एक मिनट। आज मैं अच्छू से मिलने गई थी। मंजू क्या जरूरत थी अच्छू से मिलने की? जरूरत थी विनोद, आई विनोद बाबा जरूरत थी। अर्जुन ने सही गलत जो कुछ भी किया वो उसकी मर्जी, लेकिन हम उसे इस तरह बर्बाद होने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। इस घर की बेटी है वो, अगर वो किसी परेशानी में है तो उसकी मदद करना हम लोगों का फर्ज बनता है। इसीलिए गई थी मैं वहां पर, लेकिन आई वो जिन हालातों में रह रही है ना। आई वो हमारी सोच से एकदम परे है। जिस बस्ती में वो रह रही है, छी इतनी गंदी बस्ती ना कि मुझे तो बताते हुए भी, अरे चोर उचकों की बस्ती है, गंदे लोग रहते हैं वहां पर। और जिस घर में अर्चना रहती है छत टपक रही है वहां पर, और दीवारों पर तो ऐसे पोपड़े निकल रहे, और एक आध दो ही बर्तन थे घर पर, पता नहीं खाना भी बनाती होगी या नहीं। पता नहीं वो मानव अर्चना को कुछ खिलाता पिलाता भी है या नहीं। बड़ा ढीठ बनकर लेकर गया था ना यहाँ से अर्चना को, कि अर्चना को खुश रखूंगा मैं, लेकिन फेल्यूर साबित हुआ। बाबा वो मानव ना अर्चना को खुश रखना तो दूर, उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। छह आई भाई मुझे तो अर्जु का भविष्य मानव के साथ, अरे अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता।